आज अवैध निर्माण पर एक्शन की दो तस्वीरें आईं, एक मध्य प्रदेश से और दूसरी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। एमपी में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज में बने अवैध निर्माण को शिवराज की जेसीपी ने तोड़ डाला। आरिफ मसूद पर भी एक्शन बिल्कुल योगी स्टाइल में हुआ, जिस पर आज मध्य प्रदेश में सियासत भी खूब हुई। पूरा मामला क्या है, देखिए इस पर यह रिपोर्ट। एडीएम साहब आए हैं, एडिशनल एसपी आए हैं, भोपाल नगर निगम का पूरा अमला आया है, दर्जनों मजदूर आए हैं, ट्रक आया है, जेसीबी आई है, बुलडोजर आया है। बवाल की आशंका, भारी पुलिस फोर्स बुलाई गई है, कॉलेज में अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। जिस कॉलेज में अवैध निर्माण हुआ है वो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बताया जा रहा है। विधायक समर्थक बहुत नाराज है, नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि चूंकि अतिक्रमण किया गया था, जितने हिस्से पर स्टे था उतने हिस्से को तोड़ा गया है। कई नोटिसेस के बाद भी जब ये अतिक्रमित जो हिस्सा है, जब वो जो विधायक है भोपाल मध्य से, जब उन्होंने नहीं ढहाया, उसके बाद इस हिस्से को ढहाया गया। ये जो अभी नगर निगम ने जो कार्रवाई की है वो जो फ्रंट हिस्सा था उसका किया है, और इसके पीछे जो है वो इंदिरा प्रियदर्शनी जो कॉलेज है भोपाल दक्षिण, जो भोपाल मध्य के विधायक का यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर जो है कॉलेज लगा हुआ था। और इस वक्त जो तमाम जो भीड़ है जो आरिफ मसूद समर्थकों की, वो यहाँ पर आपको नारे लगाते हुए दिखाई दे रही है। अगर आपके जहन से आरिफ मसूद का चेहरा धुंधला हो गया हो तो उसकी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। ये वही विधायक आरिफ मसूद हैं जो कुछ दिनों पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हजारों की भीड़ के साथ भोपाल की सड़कों पर उतरा था। भारत सरकार की लाइन से अलग होकर मोदी और शिवराज पर ही जमकर जहर उगला था। चुनाव प्रचार चल रहा था, ध्रुवीकरण की आशंका थी, लिहाजा एक्शन नहीं लिया गया। अब कानून की छत के नीचे आरिफ मसूद आया है, पुलिस प्रशासन अब उसकी कुंडली खंगाल रही है, एक्शन शुरू हो गया है। जहरीले विधायक के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए, जिसमें सबसे पहला मामला थाना तलैया क्षेत्र में 29 नवंबर 2020 को इकबाल मैदान में विधायक आरिफ मसूद और उनके समर्थकों पर फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। धर्म संस्कृति समिति के महामंत्री डॉक्टर दीपक रघुवंशी की शिकायत पर थाना तलैया में विधायक समेत 7 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरा मामला खानू गांव का है, जहां आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज पर बुलडोजर चलाया गया। आरोप है कि आरिफ मसूद ने एक के बाद एक तालाब के कैचमेंट एरिया में कब्जा कर बनाया, जिसमें उसने 12,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग के पास 12,000 स्क्वायर फीट में बनी सीढ़ी, बाथरूम और टिनशेड में अवैध निर्माण कराया था, जिसको गिरा दिया गया। फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करना भोपाल दक्षिण के विधायक आरिफ मसूद को भारी पड़ गया है। ये तस्वीरें उनके द्वारा अतिक्रमित किए हुए जमीन के उस हिस्से की है, जिसे अब प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तोड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरीके से JCB यहाँ पर लगी हुई है, और तमाम जो अतिक्रमित इलाका है, दरअसल ये पीछे के दृश्य अगर कैमरामैन मेरे दिखा पाए, ये भोपाल के बड़े तालाब इलाके का है। साफ तौर पर तालाब का पानी जो है वो यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ये कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरीके का निर्माण प्रतिबंधित है जिला प्रशासन के मुताबिक। बावजूद उसके यहाँ पर जो भोपाल दक्षिण से विधायक है आरिफ मसूद, उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 7,000 स्क्वायर फीट जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया था, जिसके चलते अब ये कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन कर रही है। और अगर ये पीछे की मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो समर्थक है
वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग का हिस्सा, ये जो जेसीबी तोड़ रही है, इसके पीछे की जो बिल्डिंग का हिस्सा है, दरअसल इस पे स्टे लगा हुआ है, जिसके कारण अभी प्रशासन इसको नहीं छेड़ रहा है। अब जब एक्शन शुरू हुआ तो विधायक जी को भारत का संविधान याद आने लगा और खुद को धर्मात्मा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूँ, शिवराज सरकार बदला ले रही है। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है, और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कर लगा दिया। दूसरा भी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन, जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि था। आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला अदालत में चलेगा, लेकिन अपने कॉलेज में अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है। हमारे साथ हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। सर, बात करते हैं, सर इस तरीके की सख्त कार्रवाई की जा रही है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार होती इसीलिए कि कोई लॉ एंड आर्डर को अपने हाथ में लेता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, ये हमारी सरकार का संकल्प है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो इस तरह के लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई द्वेष की कार्रवाई नहीं है, जहाँ पर अतिक्रमण था वहीं पर कार्रवाई की गई है, इसमें कोई द्वेष की कार्रवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी शक्ल देखकर काम करती है। जो स्थानीय विधायक यहाँ के हैं, रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, किसी ने उसकी जांच की है क्या आज तक? या नियमों को तोड़कर यहाँ के माननीय मंत्री जो हैं, उन लोगों ने जो यहाँ पे नियमों को तोड़कर जो काम किया हुआ है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश के निर्माण पर शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चलते आपने देखा। आज यूपी में भी विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई। मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद है, वो योगी सरकार की कार्रवाई से डरा हुआ है, यूपी नहीं आना चाहता, तो अब बुलडोजर उसके घर तक पहुंच गया। माफियाओं और क्रिमिनल्स पर नकेल कसने का ये योगी स्टाइल है, जिसे आजकल खूब पसंद किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, ये माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गे मिराज के घर पर एक्शन किए हैं। यकीन मानिए, अपराधियों की धुकधुकी बढ़ जाएगी और आपको बड़ा सुकून मिलेगा। बुलडोजर से बाउंड्री गिराई गई, फिर हथौड़े से मारकर एक एक ईंट निकाल दी गई। जिस घर को देखने भर से लोग कतराते थे, अब वो सरिये का कंकाल बन चुका है। योगी की पुलिस और योगी का प्रशासन फुल एक्शन में है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको पूरी तरह से डिमोलिश करके यहां से हटाया जा रहा है। बनारस में वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने सुबह से ही माफिया और उसके गुर्गे मिराज के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। जैतपुरा में अशोक नगर कॉलोनी में मिराज का घर बना है। मिराज का ये घर अवैध रूप से खड़ा किया गया है। ये घर पार्क की जमीन पर बनाया गया। आलीशान मकान की एक एक ईंट बिना नक्शा पास कराए हुए रखी गई।